हेलो एंड वेलकम टू मोटरोलॉजी। आज की इस वीडियो में जहाँ हम बात करने वाले हैं, जो गाड़ी के एक्सल की तरफ से ऐसा लगता है कि साउंड आ रहा है खटखट का, वो उसके कई सारे कॉलम होते हैं, कई सारे चीज़ें होती हैं जिसमें ज़रूरी नहीं कि सस्पेंशन की आवाज़ हो। तो कई बार जब हम स्टीयरिंग को फुल काट रहे हैं तो खटखट के एक हल्का सा साउंड आ रहा है, जो कि हमें लेफ्ट से पहले राइट साइड से आया और पता चला कि जब काम कराया गया तो स्क्रू जो है उतने ढीले लगाए गए या स्क्रू की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी कि वो निकल कर गिर पड़ा। फिर सही कराने के बाद दोबारा से सेम प्रॉब्लम फिर से आने लगी कुछ समय बाद। तो फिर देखा कि इधर वाले जो स्क्रूज़ हैं, जो तीन जो आर्म पे कसे होते हैं, तीन नट बोल्ट का सेट जो पूरा कसा रहता है, वो यहाँ से एक निकल के गिर चुका है और दो बाकी के जो हैं लूज़ पड़े हुए हैं। तो अब लूज़ पड़े हैं तो क्या करा, फिर हमने एक नए मार्केट से लॉक वाला नट बोल्ट लेके आया जो कि 30 रुपये का आता है। अब आपके मार्केट में क्या रेट है आपके यहाँ पे एरिया में, लेकिन यहाँ मुझे 30 रुपये का मिला। वो लेकर के एक आपको ऊपर से लॉक करने के लिए चाबी या पाना लगेगा और दूसरी तरफ से नीचे से आपको उसको घुमा के टाइट करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरी प्रोसेस को मैं दिखाऊंगा, साथ ही साथ एक चीज़ और इंक्लूड की है कि जब गाड़ी पंचर हो जाए तो कैसे खोलना चाहिए जैक से। तो मैंने वो जैक चढ़ाना दिखाया है। गाड़ी के नट जो हैं वो हमें जब गाड़ी के पहिए ज़मीन पर ही हैं तब उसको जो है ढीला कर लेना चाहिए, और जो ढीले करते हैं जो नट बोल्ट्स को करते हैं, कई गाड़ियों में नट आते हैं और कई सारी गाड़ियों में बोल्ट आते हैं, इसमें मुझे बोल्ट हैं, तो उनको ढीला कर लिया जाता है क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस में हमेशा ढीला किया जाता है और कसा भी क्रॉस में ही जाता है। तो क्रॉस में ढीला करके फिर हम जैक चढ़ाते हैं, फिर उन पहियों को, पहिए के जो बोल्ट हैं उनको खोल लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसको सारा प्रोसेस करने के बाद वापस जो है पहिए को कसेंगे और क्रॉस में जो है वो बोल्ट्स को उतना ही टाइट कर लेंगे जितनी ज़रूरत है फिलहाल। बाकी का जो टाइट करेंगे वो हम जैक उतारने के बाद करेंगे, जिससे प्रॉपर जो है ताकत, फोर्स जो है, टॉर्क जो है पूरा तरीके से लग जाए। आप जितना किनारे से करेंगे उतना अच्छा टाइट कर लेंगे, क्योंकि किनारे से करने से ये रहता है कि आपको उतना ज़्यादा टॉर्क मिलता है, जिसकी वजह से, जैसा कि आपको पता है कि टॉर्क जो है जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फोर्स के साथ साथ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो टेक्निकल भाषा है उसकी, तो जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो है टाइट करने में हमें मदद मिलेगी। कई लोग पाइप फंसा के जो है पानी को यूज़ करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, तो बने रहिए वीडियो में, और कोई सुझाव हो या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और कोई अगर आपका कोई क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट जरूर लगाइएगा, फोर व्हीलर चलाते हो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद।